ने हरियाणा की राजनीति पर खलबली मचा दी। दरअसल सीएम नायब सैनी ने यह दावा किया कि 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 85 से ज्यादा सीटें जीतकर लाएगी और कांग्रेस का खाता भी खुलना मुश्किल होगा। मुझे वो समय याद आ रहा है, इसी भूमि के ऊपर 1987 में डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की जब सभा हुई थी तो भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा सीटें वो मिली थी, सरकार बनी थी। आज मुझे वो सिनेरियो याद आ रहा है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता 85 से ज्यादा सीटें देकर के एक तरफा सरकार बनाने का काम वो करेगी। झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक भूमि से इनका तो भाइयों खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थिति ये कांग्रेस की बन रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हिसाब मांगता हुआ फिर रहा है, एक कहावत मुझे याद आ रही है और वो कहावत है कि दिल में कसक है चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, दिल में कसक है चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब है हमारा हिसाब लिए फिरते हैं।